नमस्कार दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो डालने में, कुछ परेशानी ऐसी थी। आज हम शुरू करेंगे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का भाग दो, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रवाद के उदय पर। चर्चा चल रही थी मेरी कि कांग्रेस ने कैसे राष्ट्रवाद का उदय किया। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे चैनल का नाम है रणधीर सर हिस्ट्री, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यही आपके और मेरे बीच का तालमेल होगा। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। हमारी बात चल रही थी राष्ट्रवाद के उदय को लेकर। मैंने कई कारण बताए थे, उनमें से आपको एक कारण बताया था कि राष्ट्रवाद के उदय में सबसे बड़ा कारण रहा था कांग्रेस। ध्यान से सुनना, 1857 की क्रांति के बाद में भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो रहा था। युवा वर्ग चाह रहा था स्वतंत्रता को, लोकतंत्र को, जनतंत्र को प्राप्त करना, और इसी कारण भारतीय जनता में ब्रिटिश प्रशासन के प्रति बड़ा आक्रोश बढ़ रहा था। रोजाना आए दिन देश में कभी कहीं पर नए नए लफड़े, नए नए पंगे खड़े हो रहे थे अंग्रेजों के सामने। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रशासन इस जनता से परेशान हो गया, और परेशानी की स्थिति में इनकी एक आपातकालीन बैठक बैठती है, और उस आपातकालीन बैठक में बात चलती है कि कैसे इस जनता से पीछा छुड़ाया जाए। तो यहीं पर इसी प्रशासनिक बैठक में बैठा हुआ था इंग्लैंड का एक भूतपूर्व आईसीएस अधिकारी, सिविल सर्विसेज का अधिकारी, नाम था एलन ऑक्टोवियन हुम। एओ हुम एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था। यहां पर सभी अपने अपने सुझाव दे रहे थे। इस एओ हुम ने एक सुझाव दिया था कि इस जनता से बचने का एक ही तरीका है, किसकी स्थापना की जाए, कांग्रेस की स्थापना की जाए। अगर कांग्रेस की स्थापना कर दी जाएगी तो निश्चित रूप से यह जनता से प्रशासन का बचाव होगा। कांग्रेस शब्द को देखा जाए तो यह कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी शब्द का वास्तविक अर्थ निकल कर आता है जन समूह। कांग्रेस कोई राजनीतिक पार्टी के रूप में काम में लिया गया शब्द नहीं है, यह एक जन समूह है जिसे हम आम आदमी के ऊपर थोप दिया गया है एक पार्टी के रूप में, जबकि इसका शाब्दिक अर्थ जन समूह निकल कर आता है, जनता का समूह है, उत्तरी अमेरिका में कांग्रेस से कहलाता है। आगे चलना, हुम ने क्या सुझाव दिया कि हम जनता का एक ऐसा समूह बनाएं जो सिर्फ जनता को सुने, क्योंकि जनता इतने दिनों तक सीधे आकर के बात करती थी प्रशासन से, तब भारत में जनता का कोई अंत तो था नहीं। करोड़ों लोग थे, करोड़ों लोगों की करोड़ों समस्याएं, किस किस को सुने, किस किस का समाधान करे, प्रशासन इनको सुने या अपने आप का काम करे, इसी चीजों से परेशान होकर के इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की थी एओहोम ने कि भारत में किसकी स्थापना करवाई जाए, कांग्रेस की स्थापना करवाई जाए। ये एक आईसीएस अधिकारी था तो इसे पता था। अब आगे चलो, इसी एओ हुम की अवधारणा के ऊपर भारत में 1884 में स्थापना होती है एक संस्था की, जिसे नाम दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ध्यान से सुनना इस चीज को, और यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आएगा आपके सामने, उस पर ध्यान देना। 1884 में एक संस्था की स्थापना हुई थी जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, और यह पहला वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था बंबई में, बंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था। ध्यान देना इन चीजों पर। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई एओ हुम के सुझावों पर। इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ 28 दिसंबर 1885 को। इसका अधिवेशन आयोजित होता है बंबई में, बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में।
इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर कर दिया गया था भारतीय कांग्रेस। और इसी भारतीय कांग्रेस में पहली बार 1891 में वी आनंदाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित अधिवेशन में कांग्रेस में शब्द जोड़ दिया गया था राष्ट्रीय। प्रारंभ में यह भारतीय राष्ट्रीय संघ था, इसे ही 1885 में पहले अधिवेशन में बदलकर कर दिया गया कांग्रेस, ठीक है। और इसी कांग्रेस में 1891 में जोड़ा गया राष्ट्रीय शब्द, इसके ऊपर अपना आगे भी चर्चा करेंगे। ध्यान से देखना इस बातों को, दोबारा से सुन लेना एक बार, कांग्रेस जो है इसकी स्थापना क्यों हुई। कांग्रेस की स्थापना ये होने का कारण यह था कि भारतीय जनता और ब्रिटिश प्रशासन के बीच में लगातार मतभेद बढ़ रहा था। इसी मतभेद को दूर करने के लिए, इसी आक्रोश को डांटने के लिए, इसी को रोकने के लिए आईसीएस अधिकारी था, रिटायर्ड अधिकारी एओ हुम, एलन ऑक्टेवियन हुम ने सुझाव दिया कि भारत में कांग्रेस की स्थापना करवा दी जाए। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनसमूह, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी। अब आगे सुनना इसी बात को, इसी एओ हुम के सुझाव पर 1884 में भारत में एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। आई बात समझ में? आगे ध्यान देना, इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर रखा गया भारतीय कांग्रेस, जिसे 1891 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना दिया गया था। आई बात समझ में? नोट कर लेना इसे, आगे सुना आप। अब ध्यान देना, कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन जो है यह पुणे में आयोजित होना था। यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न, कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, परंतु इस साल पुणे में अकाल पड़ने के कारण यह अधिवेशन स्थानांतरित कर दिया गया बंबई। अब यहां पर अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस की स्थापना भैया 1884 में हुई थी, न कि 1885 में। हाँ, कांग्रेस शब्द 1885 में आया था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी 1885 में आया था, परंतु यही कांग्रेस पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से चला करती थी जो 1884 में स्थापित हुई थी। अब आगे देखते हैं हम इसके अधिवेशनों के ऊपर चर्चा करते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन वगैरह कब कब किस प्रकार से आयोजित हुए। में कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन आयोजित होता है बंबई में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दी जाती है W.C. बनर्जी को। W.C. बनर्जी बोले तो पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का संस्थापक अध्यक्ष बनाया जाता है। कांग्रेस की स्थापना करने वाला विद्वान था एओ हुम, तथा कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारत के वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कई विद्वानों ने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया है, तो लाला लाजपत राय ने इसे 1916 में अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में कांग्रेस को भारत और ब्रिटिश प्रशासन के बीच में काम में लिए गए एक सुरक्षा वाल्व के रूप में बताया है। लाला लाजपत राय ने इसी एओ हुम के बारे में भी लिखा है कि एओ हुम जो है वास्तव में स्वतंत्रता का पुजारी था और भारतीयों की दुर्दशा पर रोता था, इसीलिए इसने कांग्रेस की स्थापना करवाई। कांग्रेस अंग्रेज लेकर तो आए थे अपने सुरक्षा वाल्व के रूप में, परंतु इसी ने सबसे ज्यादा राष्ट्रीयता की भावना को प्रदर्शित किया। इसी कारण लास्ट में इसी डफरिन ने कहा था कि एओ हुम एक धूर्त पागल और बेईमान इंसान है। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बना था, तो कांग्रेस का पहला सचिव एओ हुम को ही बनाया गया था। एओ हुम ने सचिव पद पर कार्य किया था 1906 तक। ये एक
छुपा हुआ रहस्य लेकर आया हूं मैं आपके सामने, जो शायद आपसे अब तक दूर था मुझे जहां तक उम्मीद है। प्रश्न अगर पूछेगा कि कांग्रेस का पहला सचिव कौन था, तो उत्तर होगा एओ हूम। कब तक रहा, तो ध्यान रखना 1906 तक एओ हूम कांग्रेस का सचिव रहा था। फिर आगे चलते हैं, यहां पर 1885 में घोषणा हुई थी कि इसी कांग्रेस का हम प्रतिवर्ष एक अधिवेशन आयोजित करवाएंगे, वार्षिक अधिवेशन, और इस अधिवेशन में चर्चा होगी साल भर के कार्यों के ऊपर, साल भर के कार्यों की मंत्रणा होगी। और यही एक डरा पकड़ लिया था कांग्रेस ने कि पूरे साल चाहे कुछ नहीं करते, बाकी वार्षिक अधिवेशन में बड़े जोर शोर से पेश आते, तभी लास्ट में गरम दल के उभरते हुए नेता, सबसे प्रमुख नेता रहे, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कह सकता हूं मैं इनको, भारतीय संतोष का जनक कहा है वैलेंटाइन चेरोल ने इनको। तो तिलक ने कहा था एक बार कि यदि हम वर्ष में एक बार बरसाती मेंढक की तरह टरेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, एक बार हम वार्षिक अधिवेशन में टराते साल भर पड़े रहते। तिलक चाहता था कि अधिवेशनों से बाहर निकलकर कार्य करना चाहिए कांग्रेस को। फिर उसके पश्चात कांग्रेस के आगे के अधिवेशन देखे तो इसमें ध्यान देते जाना और सुनते जाना। कांग्रेस के अधिवेशनों में अगर आगे देखूं मैं तो 1885 के बाद में अगला अधिवेशन होता है 1886 में। 1886 में दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। उसके पश्चात ध्यान देना अगला अधिवेशन होता है 1887 में। 1887 में तीसरे वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था सर बद्रुद्दीन तैयब जी को। सर बद्रुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, यहां से ध्यान रखना इस प्रश्न को। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष आया था सर बद्रुद्दीन तैयब जी। बद्रुद्दीन तैयब जी 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर उसके पश्चात आगे ध्यान देना चौथा वार्षिक अधिवेशन आया था 1888 में। 1888 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त होने वाला पहला विदेशी व्यक्ति था। चौथे वार्षिक अधिवेशन में आया था ये, चौथे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस का पहला विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष सर बद्रुद्दीन तैयब जी। फिर उसके पश्चात आगे ध्यान देना 1889 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी विलियम वेडरबर्न ने। विलियम वेडरबर्न के बारे में ध्यान देना, विलियम वेडरबर्न वह विदेशी है जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी दो बार। कांग्रेस का दो बार अध्यक्ष नियुक्त होने वाला विदेशी था विलियम वेडरबर्न। फिर इसके पश्चात 1891 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था नागपुर में। 1891 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित होता है कहां पर, नागपुर में। फिर आगे ध्यान देना इसी अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वी आनंद चारलू। वी आनंद चारलू कांग्रेस का पहला हिंदू अध्यक्ष था। कांग्रेस का पहला हिंदू अध्यक्ष वी आनंद चारलू, पहला मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी, पहला विदेशी अध्यक्ष जॉर्ज यूले, सर्वाधिक बार विदेशी अध्यक्ष नियुक्त होने वाला था विलियम वेडरबर्न। वी आनंद चारलू की अध्यक्षता में कांग्रेस में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था तथा इसी अधिवेशन में कांग्रेस का खुद का संविधान पारित किया गया था। ये यहां से दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आएंगे आपके सामने। कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द कब जुड़ा 1891 में, कांग्रेस का खुद का संविधान कब पारित हुआ, तो इसका उत्तर होगा आपके सामने कि 1891 में। फिर उसके पश्चात अगला अधिवेशन आयोजित होता है कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में, मुख्य अधिवेशनों पर चर्चा करूं तो 1893 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था लाहौर में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने और इसी अधिवेशन में पहली बार मांग की गई थी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाएं भारत में कराने की मांग की जाती है। इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षाओं को भारत में आयोजित करवाने की मांग करता है लाहौर अधिवेशन में 1893 में दादा भाई नौरोजी।
फिर उसके पश्चात अगले प्रमुख अधिवेशनों में देखूं तो अगला प्रमुख अधिवेशन आता है 1896 में। 1896 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मोहम्मद रहीमतुल्ला सयानी ने। मोहम्मद रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में 1896 में कांग्रेस का कलकत्ता में वार्षिक अधिवेशन होता है। यह अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है तो ध्यान देना, इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का सार्वजनिक मंचन हुआ था। प्रश्न सुन लेना, यहां से प्रश्न आएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सार्वजनिक मंचन होता है, तो इसमें आपको एक ही उत्तर देकर आना पड़ेगा कि वंदे मातरम का पहली बार सार्वजनिक मंचन हुआ था 1896। अब थोड़ी सी वंदे मातरम के ऊपर चर्चा करता हूं मैं आपके साथ। तो वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम गीत का रचनाकार था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी एक बंगाली साहित्यकार था। उनका उपन्यास था आनंद मठ और उसी आनंद मठ से अवतरित लिया गया है यही हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। फिर उसके पश्चात आगे ध्यान देना, इसी अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्ला सयानी अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। यहीं पर इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन के निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्रश्न बहुत बार आता है, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो वो सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। यहां से प्रश्न आएगा धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को कब और किस प्रकार से, तो ध्यान देना धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इन इंडिया, द पावर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण अधिवेशनों में। 1905 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था बनारस में। इस बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। यह अधिवेशन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट रहा है। बनारस अधिवेशन में वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। ध्यान से सुनना, देखो 1896 अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, मोहम्मद रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता वाले अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया जाता है और 1905 में इसी वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया जाता है। आई बात समझ में, ध्यान दे लेना इसके बारे में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पहली बार मांग की जाती है स्वशासन की और स्वशासन को अपना लक्ष्य बनाया जाता है। फिर उसके पश्चात आगे ध्यान देना, 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है, 1906 का वार्षिक अधिवेशन आयोजित होता है कलकत्ता में। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करता है दादा भाई नौरोजी और इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पहली बार मांग की जाती है स्वराज की और स्वराज को बनाया जाता है अपना लक्ष्य। ये यहां पर दो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ने की थोड़ी सी भूल कर दोगे और भयंकर गलती कर दोगे। स्वशासन और स्वराज में बहुत अंतर होता है। स्वशासन की मांग 1905 में होती है गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में बनारस अधिवेशन में, तो दूसरी तरफ ध्यान देना स्वराज की मांग होती है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में। कांग्रेस ने स्वशासन को अपना लक्ष्य बनाया 1905 में, कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया 1906 में। आगे ध्यान दे लेना, स्वराज शब्द का जनक था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने पहली बार चर्चा की थी स्वराज के ऊपर, स्वराज को ही इन्होंने अपना लक्ष्य बताया था। तो ये स्थापना के कुछ वर्षों में कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे। ध्यान देना 1885 में पहला अधिवेशन,
अध्यक्ष बनाता हुए उमेश चंद्र बनर्जी, वह अधिवेशन आयोजित हुआ था लॉर्ड डफरिन के काल में, कांग्रेस का पहला सचिव बनता जो एओ हूम जो अध्यक्ष सचिव रहता है 1906 तक, फिर दूसरा अधिवेशन आयोजित होता है 1886 में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, 1888 में जॉर्ज यूले कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, पहले विदेशी अध्यक्ष थे, 1889 में विलियम वेडरबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, विलियम वेडरबर्न वह विदेशी था जो अध्यक्ष पद पर दो बार नियुक्त होता है, 1891 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित होता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वी आनंद चारलू, आनंद चारलू कांग्रेस का पहला हिंदू अध्यक्ष था, इसी अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया और कांग्रेस का संविधान पारित किया गया था, 1893 में लाहौर में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता करता है दादाभाई नौरोजी, इस अधिवेशन में मांग की गई थी ICS परीक्षा को भारत में आयोजित करवाने की, 1896 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित होता है कलकत्ता में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है मोहम्मद रहीमतुल्ला सयानी, इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का सार्वजनिक मंचन होता है, तो इसी अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी के धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है, फिर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित होता है 1905 में बनारस में, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है गोपाल कृष्ण गोखले, जिसमें वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया जाता है और स्वशासन को कांग्रेस अपना लक्ष्य मानती है, 1906 में अधिवेशन आयोजित होता है कलकत्ता में जिसकी अध्यक्षता करता है दादाभाई नौरोजी और इस अधिवेशन में स्वराज को लक्ष्य बनाया जाता है। तो ये थे प्रारंभिक समय में कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन। आगे जो अधिवेशन है वो दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन के घटनाक्रमों में जुड़ते जाएंगे, कुछ अलग महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहेंगे तो मैं उनको साथ में ही लेता जाऊंगा। अगले टॉपिक में हम चलेंगे अब राष्ट्रवादी आंदोलनों में जो प्रमुख आंदोलन वगैरह हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, कोई अधिनियम वगैरह पारित हुए हैं, कुछ हत्याकांड वगैरह हुए हैं, कुछ क्रांतिकारी घटनाएँ हुई हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आप तब तक मुझे इस वीडियो के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।